नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। वकीलों ने किया सीपी कार्यालय का घेराव। एक सप्ताह से वकील का भाई है लापता। वकीलों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप। वकीलों ने विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। हसनगंज थाना क्षेत्र से लापता है मोहम्मद शोएब। कमिश्नर साहब से हम लोग आज मिलने आए। विगत 8 दिनों से हमारा भाई, हमारे परिवार का बड़ा भाई 8 दिनों से लापता है और हर थाने से लेकर कमिश्नर तक मैं गुहार लगा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मगर आज तक मुझे यह आश्वस्त नहीं कर पाए कि भाई कहाँ है, किस हाल में है। ना गाड़ी बरामद हुई है, ना स्वयं भाई बरामद हुआ है। मैं फिर आज कमिश्नर साहब से मैंने निवेदन किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा भाई सकुशल हमारे बीच में नहीं आया तो आगे हम लोग विधानसभा के सामने लेट का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पुलिस से हमारा विश्वास उठता जा रहा है, मुझे आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, हमारा अधिवक्ता परिवार आज रो रहा है, चिल्ला रहा है, आज 9 दिन हो गए हैं, अब कोई आश्वस्त नहीं कर पा रहा है मुझे। अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मुझे मिला है कि मैं जल्द ही जल्द आपके भाई को ढूंढ निकालूंगा। यह आश्वस्त मुझे कमिश्नर साहब ने किया है। मैंने कहा है कि मुझे अगर आज रात या कल तक मेरा भाई साकुशल वापस नहीं पहुंचा तो मैं परसों विधानसभा के सामने मैं लेट प्रदर्शन करूंगा। हमारा दर्द 9 दिन हो गए। हमारा हमजा भाई जो हमारा अधिवक्ता परिवार के सदस्य है, इसका भाई 9 दिन से लापता है। कहां से अंतिम बार कहां देखा गया था, कहां से भाई लापता? अभी आगे की बात हमारे हमजा भाई बताएंगे।